जवान फिल्मों की रिलीज हो सकती है पोस्टपोन। फिल्म से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग अपडेट आई सामने। बॉलीवुड में पठान फिल्मों को हिस्ट्री बनाने के बाद अब शाहरुख खान की जवान फिल्म सुर्खियों में आ गई है। ये फिल्म से आए दिन कई सारी सोशल मीडिया पर शूटिंग का वीडियो और फुटेज सामने आती रहती है, जिसे देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं। कुछ ही दिन पहले जवान फिल्म से एक ऐसा सीन लीक हुआ था जिसे देखकर हर फैंस के होश उड़ गए थे। किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि शाहरुख खान भी ऐसा रोल कर सकते हैं। उनका एक्शन, उनका स्वैग, हर कुछ काफी अनोखा था। लेकिन एक ऐसी भी खबर आ रही है जिसको लेकर आप मायूस भी हो सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं। मायूस इसलिए क्योंकि जवान फिल्मों को लेकर वेट आपका और लंबा हो जाएगा। खबर ऐसी आ रही है कि जवान फिल्म अब 2 जून को रिलीज नहीं होगी, क्योंकि जवान फिल्म का शूट अभी तक काफी बाकी है और रेड चिली ये फिल्म के VFX पर काम कर रहा है। और शाहरुख खान का प्रोडक्शन रेड चिली नहीं चाहता कि जवान फिल्मों में कोई भी कचास हो, इसलिए VFX टीम उस पर काफी हार्ड वर्क कर रही है और यही रीजन है कि ये फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म अक्टूबर 2023 में रिलीज हो सकती है। हालांकि वो तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा जब शाहरुख खान ये फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये फिल्म पोस्टपोन ना हो और हमको पहले बताई गई 2 जून को ही रिलीज हो। लेकिन अब जानते हैं फिल्म के शूट के बारे में। तो बता दें कि ये फिल्म का शूट इन दिनों मुंबई में हो रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म का 80% शूट कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ 20% ही शूट बाकी है जिसको जल्द से जल्द शाहरुख खान कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा बात करें हम कैमियो की, तो कैमियो की लिस्ट में थालापति विजय और रामचरण के बाद अब संजय दत्त का भी नाम पीछे जुड़ गया है। जी हाँ, शाहरुख खान के जवान फिल्मों में हमें संजय दत्त का भी धमाकेदार कैमियो देखने को मिलेगा और ये दोनों का कैमियो एक जबरदस्त एक्शन सीन के लिए आजमाया जा रहा है। शाहरुख खान के जवान फिल्मों में पहली बार संजय दत्त और शाहरुख मिलकर गुंडों की धुलाई करते हुए नजर आएंगे। बताया तो यहाँ तक भी जा रहा है कि ये फिल्म में दीपिका पादुकोण का भी कैमियो होगा। हालांकि ये फिल्म की लीडिंग लेडी है नयनतारा। नयनतारा होने के बावजूद भी ये फिल्म में हमें दीपिका का भी कैमियो देखने को मिल सकता है। यानी कि ये फिल्म में हमें कई सारे स्टार के कैमियो देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट होगा ये फिल्म में शाहरुख खान का लुक, जो एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग स्टाइल में नजर आएंगे। फिलहाल दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कितने एक्साइटेड है जवान फिल्मों को लेकर। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।